बीते साल अक्टूबर के महीने में अफगानिस्तान के हेरात प्रांत को भूकंप के झटकों ने कपा दिया। ये भूकंप 7 और 11 अक्टूबर को आए, जिनकी वजह से हेरात प्रांत के 13 गांवों के 1300 से ज्यादा घर मलबे में बदल गए और 2000 लोग मारे गए। ऐसे में अफगानिस्तान के जिंदान और इंजील जिले शमशान बने हुए हैं और तबाही के 3 महीने बाद भी पश्चिमी अफगानिस्तान के हालत में रत्ती भर बदलाव नहीं आया। बिजली से लेकर पानी और सर पर छत से लेकर पेट में रोटी के लिए बच्चे, बूढ़े और महिलाएं तरस रही हैं। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में 1 लाख बच्चों पर भूख का खतरा मंडरा रहा है और ऐसे मुश्किल भरे दौर में भी तालिबान सरकार समस्या को निपटाने में लाचार खड़ी है। लेकिन ऐसे में अफगानिस्तान का मसीहा बनकर आ खड़े हैं दुबई के अजीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर मिस्टर मीरवाइज अजीजी, जो अफगानिस्तान के भूकंप पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए अफगानिस्तान में $10 बिलियन के कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन दुबई का इतना बड़ा बिजनेस टाइकून आखिर अफगानिस्तान की मदद क्यों कर रहा है और ये अफगानिस्तान में आखिर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, करीब 100 दिनों पहले पश्चिमी अफगानिस्तान के हैरत प्रांत को जिन खतरनाक भूकंप के झटकों का सामना करना पड़ा, उन्होंने यहाँ के आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों की जिंदगी को मौत में बदल दिया। पूरे 3 महीने बीत जाने के बाद भी इन गांवों की हवा में दर्द ही दर्द बह रहा है। स्कूल और अस्पताल पूरे तरीके से तबाह हो चुके हैं। जिंदान और इंजील इलाके के 21,000 मकान मलबे का रूप ले चुके हैं और हालात ऐसे हैं कि अफगानिस्तान के 2.5 करोड़ लोग अपनी रोजी रोटी, कपड़े और छत का इंतजाम भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सर्दियों की रात में तालिबान सरकार से बनाए गए अस्थायी आश्रय केंद्र बेघर बच्चों और उनके परिवारों के लिए मौत से भी बदतर हालात पैदा कर रहे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान का मसीहा बनकर दुबई का सेकेंड टॉप मोस्ट बिजनेस टाइकून मीरवाइज अजीजी सामने आए हैं। मीरवाइज अजीजी को आप अफगानिस्तान का अंबानी भी कह सकते हैं। ये भले ही आज दुबई के किंग बने हुए हैं, लेकिन ये अफगानिस्तान की ही पैदाइश है। इनका जन्म अफगानिस्तान के एक पश्तून फैमिली में हुआ था और यहीं से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। लेकिन 1988 में जब अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा था और हालत बेहद खराब थी, तब इन्होंने यहाँ से निकलकर एक रेफ्यूजी की तरह दुबई में अपने बिजनेस की शुरुआत की और 1989 में अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की स्थापना दुबई में की और बेशुमार दौलत हासिल की। आज ये अफगानिस्तान के सबसे अमीर इंसान है और लोग इन्हें अफगानिस्तान का अंबानी भी कहते हैं। न केवल अफगानिस्तान बल्कि दुबई में भी मीरवाइज अजीजी ने अपने व्यापार का एक ऐसा साम्राज्य फैला लिया है जिसकी वजह से ये दुबई के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक हैं। दुबई में इनकी अजीजी ग्रुप डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी और फाउंडेशन कंपनीज मौजूद हैं। ये आज दुबई की टॉप मोस्ट प्रॉपर्टी डीलर्स कंपनी बने हुए हैं। मीरवाइज अजीजी ने कुछ दिनों पहले ही अफगानिस्तान के हैरत प्रांत का दौरा किया और अपने देश के ऐसे हालात देखकर अफसोस जताया। मीरवाइज अजीजी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया कि वो अपने वतन और वतन के लोगों का साथ इतनी मुश्किल भरे समय में कभी भी नहीं छोड़ेंगे और अपने देश में ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में अगले 5 सालों में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे जिनकी लागत करीब $10 बिलियन तक होगी। मीरवाइज का कहना था कि उनका लक्ष्य आने वाले समय में 5000 से 6000 मेगावाट नई बिजली का उत्पादन करना है और साथ ही साथ परिवहन के क्षेत्र में वो रेलवे नेटवर्क बनाने पर ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं। बिजली उत्पादन और ट्रांसपोर्टेशन में विकास होने की वजह से अफगानिस्तान में व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और लाखों लोगों को नौकरियों के नए अवसर भी मिलेंगे, जिससे अफगानिस्तान की हालत में न केवल सुधार आएगा बल्कि आने वाली जनरेशन को भी इसका फायदा देखने को बखूबी मिलेगा। इन सब के अलावा मीरवाइज अजीजी ने अपने फाउंडेशन कंपनीज के इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए अफगानिस्तान के हैरान प्रांत में भूकंप पीड़ित लोगों के लिए 300 से ज्यादा होम टाउनशिप भी तैयार करवाए हैं। अजीज के बनाए हुए इन रेडीमेड टाउनशिप में न केवल लोगों की बेसिक जरूरतों का सामान है बल्कि क्लिनिक, स्कूल, प्लेग्राउंड, वाटर सप्लाई सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम भी मौजूद हैं, जिससे इन भूकंप पीड़ित लोगों की जिंदगी में काफी सारे बदलाव आए हैं। अजीजी ने अफगानिस्तान में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के कई प्लान्स भी बताए और कहा कि उनका इरादा बड़े पैमानों की परियोजनाओं को शुरू करके अफगानिस्तान में हजारों ऐसी नौकरियां पैदा करने का है जो देश के विकास और आर्थिक योजना में मील का पत्थर साबित होने वाली होंगी। इससे न केवल युवाओं को नौकरियां और रोजगार मिलेंगे बल्कि लोगों की रहन सहन, आर्थिक स्थिति और अफगानिस्तान की GDP में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अपने वादे के अनुसार मीरवाइज अजीजी ने 200 मिलियन अफगानी करेंसी के नई टाउनशिप अफगानिस्तान के सियाब गांव में तैयार करवा दिए हैं। इनके अलावा वो यहां एक बड़ा
बगीचा और पार्क भी बनवाने वाले हैं, जिसमें यहां रहने वाले लोगों को कमाई का स्थायी जरिया मिलेगा, क्योंकि इन बड़े बगीचों में 15,000 से 20,000 तक फलों के पेड़ लगाए जाएंगे और कृषि को बढ़ावा मिलने के साथ लोगों का विकास भी होगा। दुबई के किंग अजीजी का अफगानिस्तान में किया जाने वाला ये इन्वेस्टमेंट देश के सामने बढ़ती बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक नया मोड़ लेकर आएगा। अपने इस $10 बिलियन के प्रोजेक्ट को अजीजी जल्द से जल्द लॉन्च करना चाहते हैं और इसके लिए अजीजी की अलग अलग कंपनी और उनकी टेक्निकल टीम्स अफगानिस्तान के उन हिस्सों को पता लगाने वाली हैं जहां पर बिजली उत्पादन का और ट्रांसपोर्टेशन का काम आसानी से शुरू किया जा सकता है। और इसी के साथ इन कंपनी के अधिकारी आगे का काम जल्दी शुरू करने के लिए काबुल का दौरा भी करने वाले हैं। अफगानिस्तान के लोगों को ठोस लाभ देने के लिए अजीजी का ये रणनीतिक कदम उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं में ऊर्जा और परिवहन की परियोजनाओं को सफलता के उस मुकाम तक ले जाएगा जहां अफगानिस्तान के लोग खुद रोजी रोटी खुद कमाकर चैन से खा सकेंगे। मीरवाइज अजीजी दुबई के बिजनेस टाइकून होने के साथ एक बैंकर भी हैं। 2007 में इन्होंने अजीजी डेवलपमेंट से पहले 2006 में अजीजी बैंक शुरू किया था, जो फिलहाल अफगानिस्तान का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक भी है। आज इस्लामिक बैंक ऑफ अफगानिस्तान कहा जाने वाला बख्तर बैंक भी उन्हीं के कब्जे में है और आज ये अफगानिस्तान में सबसे तेजी से ग्रो करने वाले बैंकों में से एक है। जिस समय दुनिया पर वित्तीय संकट आया था तब अजीजी डेवलपमेंट से दुबई में अपनी ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज को बेचना शुरू कर दिया और जो भी प्रॉपर्टीज खरीदने वाले लोग प्रॉपर्टीज का पैसा वापस नहीं कर पाए थे उनकी जमा राशि भी अजीजी ने वापस कर दी थी और प्रॉपर्टीज वापस ले ली थी। बाद में 2013 में अजीजी ग्रुप ऑफ डेवलपमेंट ने इन परियोजनाओं को दोबारा से शुरू किया और आज उनकी कंपनी के पास अलग अलग सेक्टर में करीब 200 से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी पोर्टफोलियो कीमत 45 मिलियन AED से भी ज्यादा है। दुबई में अजीजी का पेट्रोलियम बिजनेस की कीमत आज बिलियन में है, जो उन्होंने $80 मिलियन से शुरू किया था। आज उनका यही पेट्रोल बिजनेस 10 देश में पेट्रोल की आपूर्ति करता है। इन सभी के अलावा अजीजी ने अफगानिस्तान में फ्री में एजुकेशन के लिए स्कूल्स और अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ अफगानिस्तान की भी स्थापना की है ताकि अफगानिस्तान के लोगों और वहां पर रहने वाले बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। मीरवाइज अजीजी का आगे का प्लान अफगानिस्तान के रेलवे को ईस्ट से वेस्ट तक जोड़ना भी है। 2020 में अफगानिस्तान और ईरान में अपना पहला क्रॉस रेलवे को शुरू किया था, जो 225 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन था और दो देशों को आपस में जोड़ता भी था। ये प्रोजेक्ट 2007 में शुरू किया था और इस पर $75 मिलियन का खर्च किया गया था, जो कि ईरान की तरफ से था। लेकिन 2017 के बाद में ईरान ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना दिया और 2021 में तालिबानी शासन आने से अफगानिस्तान को ईरान की मदद मिलना कम हो गया। तो दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि जब अफगानिस्तान में मुसीबत का इतना दिल दहलाने वाला दौर चल रहा है, ऐसे में मीरवाइज अजीज अपने हमवतन लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में भूकंप पीड़ित लोगों के लिए जो 200 से ज्यादा टाउनशिप बनवाए हैं, उनमें स्कूल, पार्क और पानी के कुएं से लेकर बिजली की भी व्यवस्था करवा दी गई है और आगे आने वाले 10 बिलियन के प्रोजेक्ट्स के दौरान वो अफगानिस्तान के लोगों की जिंदगी को और बेहतर बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इससे न केवल अफगानिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होगी बल्कि अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों की जिंदगी में भी सुधार आ जाएगा। तो अब देखना यह है कि मीरवाइज अजीजी के $10 बिलियन के ड्रीम प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में कब तक लॉन्च होते हैं और इससे अफगानिस्तान के लोगों की जिंदगी में क्या क्या बदलाव आते हैं। खैर, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।